सो फाइनली यहाँ पर हम लोग डक को चला सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोट चलाते थे वैसे हम लोग यहाँ पर डक को चला सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर एक न्यू आइलैंड आया, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ न्यू आइलैंड भी आप लोगों का। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे ये न्यू आइलैंड आ चुका है, तो आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगा, ये BGMI और PUBG मोबाइल दोनों में आने वाला है। तो चलिए आप लोगों को पहले ही से मैंने सोचा कि दिखा देते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी हैं। सिंपल हम लोगों को नोवो और मिलिट्री बेस के बीच में यहाँ पर ये आइलैंड देखने को मिल जाएगा, बट यार ये अभी नहीं मिलेगा, इसकी मैं डेट भी आप लोगों को बताता हूँ। और इन फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को BGMI एंड PUBG मोबाइल दोनों में मिलेगा। तो चलिए अब इस आइलैंड पर हम लोग चलते हैं, और सिंपल हम लोग यहाँ पर आइलैंड पर आ चुके हैं, एंड इसकी काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, जो कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख के मज़ा आ जाएगा। बट हम लोग यार यहाँ पर स्विंग नहीं कर सकते, झूले पे नहीं झूल सकते, और यहाँ पे 2023 का ये न्यू मैप हैगा इनका, जो कि रिसेंटली बस आने ही वाला है। और यहाँ पर देखो एक ड्रॉप हम लोगों को देखने को मिलेगा, इस आइलैंड का नाम भी आप देख सकते हैं, एयर ड्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है, एयर ड्रॉप आइलैंड होगा यहाँ पर। अब हम लोग देखो यहाँ पर इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप देखो एक एक चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मैं, इसीलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि यार लाइक और सब्सक्राइब करोगे जब ही मैं और भी चीजें आज आप लोगों को बता पाऊंगा। हम लोगों को तीन यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलेंगे, बट मैं यार यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आया, एंड तीनों सेम ही हैंगे, और यहाँ पर हो सकता है कुछ आगे चेंजेस भी देखने को मिले। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये बडी हैगा, जिसको हम लोग बडी करते हैं, जो हम लोगों को शुरू में मिलता है। और फिर यहाँ पर हम लोग इसको देखो डक को हम लोग ले भी जा सकते हैं, बाकी डक की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, और डक यहाँ पर फूटती भी नहीं है, जैसे गाड़ी वाड़ी दक जाती है वैसे डक हम लोगों की यहाँ पर दकती भी नहीं है। और डक का यहाँ पर एक और फ्यूचर है, चलिए फ्रेंड आप लोगों को मैंने सोचा कि फाइनली वो फ्यूचर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम लोग यहाँ पे डक को देखो अटैच भी कर सकते हैं, ऊपर आप लोगों को राइट हैंड पर ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए हमने अटैच के लिए एंड गो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आगे भी हम लोग जा सकते हैं। जैसे ही हम लोग गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एंड फ्रेंड हम लोग बूम यहाँ पर अब हम लोग चला सकते हैं, और पीछे हम लोगों की अगर स्क्वाड हो तो स्क्वाड को भी हम लोग बहुत ही ईजिली साथ में बैठा सकते हैं। तो देखते चले यहाँ पर ये क्या तीसरी वाली है, ये भी कनेक्ट हो पाएगी हम लोगों से। आप लोग फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत दूर से ही अटैच का ऑप्शन आ गया था, एंड अटैच पे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए ये अटैच हो गई, और हम लोग इसको बहुत ही इजीली चला सकते हैं। जब एक डक को दूसरी डक के पास लेके जाएंगे तो बहुत ही इजीली हम लोग इसको कहीं पे भी घुमा फिरा सकते हैं। और बाकी फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मुझे और दिखानी थी, जो कि बहुत ही बेस्ट लगी मुझे इसमें, जब हम लोग ये तीनों एक साथ चलाते हैं तो यार लुक देखो एक अलग ही आता है, और बहुत ही बेस्ट मुझे लगा ये चीज़। और अब यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये डक हम लोगों की फूटेगी कि नहीं फूटेगी, बाकी मैंने तो काफ़ी कोशिश करी है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैं और दिखा देता हूँ डक फोड़ के, देखते यहाँ पर डक फूटेगी कि नहीं फूटेगी। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये न्यू आइलैंड कैसा लगा, एंड इसकी मैं डेट भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर सिंपली इसको चढ़ा देते हैं, और हाँ आप लोगों को एक बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको आइलैंड पे ही चढ़ाइए, अगर आप लोग सिंगल लिए होंगे तो कहीं पे भी चढ़ा के आप लोग इसको चला भी सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये चल रही है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ ये मुझे देखने को मिल गई। तो इसको चलाते चलाते मैं सोच रहा हूँ इसको नोवा या कहीं पर ले जाऊँ, बाकी फ्रेंड आप लोग मुझको बताइएगा कमेंट में कि क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को इसकी एक चीज़ दिखानी थी कि डिस्ट्रॉय होती है कि नहीं होती है, इसको चलो सिंपली लेके जाते हैं। और यार इस पर मैंने इतनी गोलियाँ बरसाई कि यार इसके अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को शो नहीं करेगा, देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे हम लोग इसको यहाँ पर लेके आए कितनी गोलियाँ मैंने यहाँ पर मार दी, लेकिन अगर इस पर डक पे ज़्यादा गोलियाँ पड़ जाएंगी तो आप लोगों को जो ऑप्शन नहीं शो करेगा फ्रेंड, वो ऑप्शन सिर्फ बस इतना सा कि आप लोग इसको फिर दोबारा ड्राइव नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर पूरी पूरी एमो इसके ऊपर खर्चा कर दी तो दोबारा ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा था, एंड फ्रेंड मैं भी यार यहाँ पर काफ़ी परेशान। आप लोगों का फाइनली जो न्यू आ रहा है उसका डेट मैं आप लोगों को बता दूं, तो यार रॉयल पास ख़त्म होने से पहले या रॉयल पास ख़त्म होने के बाद, मेरे हिसाब से रॉयल पास ख़त्म होने से पहले ही आ जाना चाहिए, नहीं तो रॉयल पास ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली आ ही जाएगा। और ये देखो यहाँ पर ये है इसका इवेंट आ रहा है, ठीक है ना, ये जो ये आप लोग गुड्डा देख पा रहे हो, ये जो ये उड़ रहा है आप लोग पीछे देख पा रहे, तो फ्रेंड इसका इवेंट आ रहा है जिसका नाम एयर ड्रॉप कार्निवल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी फ्रेंड मिलता हूँ आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार चैनल पर और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, तो आप लोग जाके विजिट ज़रूर से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।